पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा का चुनाव जल्द होने वाला है, ऐसे में आप हर एक पार्टी अपनी जोर शोर से जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री आज सूरत और गुजरात के वलसाड़ जिले में एक सभा को संबोधित किया था। जनता को भरोसा दिलाकर जो है केजरीवाल ने बिजली पानी और किसान के कई ऐसे मुद्दे हैं जो गारंटी दिया था, उसी गारंटी को देखते हुए सूरत के एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उन्होंने मीडिया से संबोधित किया, वार्तालाप किया। उसमें यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि पिछले 21 सालों से लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर गठबंधन रहकर जो है सरकार चलाई है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाए या पब्लिक के बीच में जाए, क्योंकि वो फ्री बिजली या फिर फ्री जो है पानी ये सब जो है देने में उनको दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की विरोध जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से हाल में ही सूरत शहर ने कि बल्कि पूरे गुजरात में अरविंद केजरीवाल का एक जो है आउटडोर एक बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया हुआ है, उसके बाद जो है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्री राम जो है कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं, यानी कि सनातन धर्म को लेकर वहाँ पर टिप्पणी की है। उस बात को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कह दिया है कि जो इस तरह का जो भी कोई अगर वंश जो है अगर बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक राक्षसी जो है शब्द का उपयोग किया जा रहा है। ये सारे जो है टिप्पणी जो है आज अरविंद केजरीवाल ने सूरत एयरपोर्ट जब उतरे और मीडिया के साथ जो है वार्तालाप किया, ये तमाम बातें जो है उन्होंने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं मीडिया के कैमरे पर जो है वो उनके फेस पर एक मदोसी दिखाई दी, क्योंकि काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर हर जगह पर कहीं ना कहीं बोर्ड पर उनका एक फोटो तस्वीर लगी हुई है और वहाँ पर स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि वो सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं कुछ अलग टिप्पणी की है, इसी बात को लेकर जो है काफ़ी नाराज चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आज थोड़ी देर में जो है सूरत एयरपोर्ट से जो है कड़ोदरा जो है वहाँ एक उनकी सभा है वहाँ पहुँचेंगे, क्या कुछ वहाँ पर नतीजे आते हैं ये देखने वाली बात होगी। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट।